हमारे यहाँ कुछ बढ़िया से सुंदर और क्यूट गेस्ट भी आने वाले हैं। अंजलि बना रही है सैंडविच, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि मैंने इसमें हल्की सी ग्रीन चिल्ली डलवाई है हरी। ओह दोस्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इधर अंजलि ने खाने की तैयारी करने लगी है। कड़ा बाइक कहाँ है? हमारी बाइक बाइक लगती बाहर खड़ी है। अंजलि ने पनीर डाल दिया फ्राई करने को। ये देखो फ्राई हो रहा है पनीर। किसकी है फोटो? ये कौन है? श्री ओ गोलगप्पे, अकेले अकेले गोलगप्पे खा के आ रहे। रो रहा था तुम। दो रोटी खाते बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज कुछ खास दिन है, आज संडे भी है। संडे पे हम हमेशा ही ब्लॉग बनाते हैं संडे स्पेशल का। संडे स्पेशल जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, घर पे रहते हैं, बाज़ार जाते हैं, वो हम दिखाते हैं। सेकंडली आज हमारे यहाँ कुछ बढ़िया से सुंदर से और क्यूट गेस्ट भी आने वाले हैं, लेकिन वो आफ्टरनून आएंगे। उससे पहले हम अपना संडे का दिखाते हैं। और आज हम सुबह सुबह नाश्ते में हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं। सुबह हमने चाय बनाई, चाय के साथ अंजलि बना रही है सैंडविच, ब्रेड के सैंडविच। सैंडविच पोटैटो के ओनियन के साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डाल के बना रही है। लेकिन पोटैटो भी इससे भी कोई ख़ास नहीं, लेकिन ऐसा था कि नाइट को कुछ सब्जी बच गई, आलू की सूखी बॉईल किए थे, शिवरात्रि थी, उसने अपने लिए बॉईल किए थे। और बॉईल के साथ हमने भी उसमें थोड़े से ओनियन वगैरह डाल के, प्याज डाल के हमने अपने लिए फ्राई किए, लेकिन फिर भी बच गए थे। और बचे हुए के अंजलि ने एक न्यू डिश बना दी, सैंडविच तैयार कर दिया, सुबह का नाश्ता हो गया। ये अर्पिता संजना ये देखो सैंडविच से नाश्ता कर रहे हैं सभी लोग। ये अर्पिता, ये संजना सैंडविच खा रही है, और ये आराध्या, लेकिन वंश नहीं खा रहा। वंश ने अपना टाइगर बिस्कुट पानी से खाया। हमारा वंश अपना छोटा सा एक 5 रुपए का टाइगर बिस्कुट अब पानी से खाता है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि मैंने इसमें हल्की सी ग्रीन चिल्ली डलवाई है, हरी मिर्च। खाने में अच्छे हैं, टेस्टी हैं। फ्रेंड्स हमारा नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद जैसे कि आज संडे है, संडे को पानी है पर इतना नहीं है, और आरओ का पानी, तो हम आरओ का पानी लेने चलते हैं। और जो ये पानी थोड़ा सा पड़ा है इसको हम एडजस्ट करते हैं। दोस्तों पानी लेके आ गए थे हम आरओ से, और हमारा गला पूरा दर्द हो रहा है। मौसम इतना ही ख़राब हुआ पड़ा है। देख लो मेरा ही लड़का मेरे को अंकल जी कह रहा है। क्या कर रहा है वंश? ना देखो सुबह से सारे खिलौने लेके बैठ गया और सुबह से खेलने, और मेरे को ही अंकल जी कह रहा है भैया शक्ल बदल गई है क्योंकि मैंने दाढ़ी रखी। दाढ़ी आज के लिए है, संडे के लिए। और एक्चुअली क्या क्यों दाढ़ी रखी है, मैं संडे के दिन अब आज नहीं बनाऊंगा, वैसे बना लेता हूँ दाढ़ी, लेकिन मेरे को कल मंडे को सुबह कहीं जाना है 2 दिन के लिए। अगर आज बना लूँगा शेप तो फिर कल वो और ज़्यादा आ जाएगी,
और फिर आगे ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैम शेम नहीं बनाता। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, हमें कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इन तीन दिनों को अपने हेयर और शेविंग नहीं करनी चाहिए। बाकी के एक, बाकी का गैप पड़ गया एक एक दिन छोड़ के, एक एक दिन छोड़ के कर लेनी चाहिए। ओह दोस्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड नहीं लग रही, मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के मिलते हैं, नहा लें जल्दी से जाके। दोस्तों हमने नहा लिया था, नहाने के बाद भूख लग रही है, लेकिन हम खाना हमारा अभी तैयार नहीं हुआ, खाना तैयार होने जा रहा है। खाने को तैयार करने के लिए अंजलि ने, देखो यह है फूल गोभी, इधर मटर चिल्ली है। हमारे यहाँ कुछ स्पेशल मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए भी और हमारे लिए भी खास स्पेशल खाना तैयार होगा। खाने में सूखी सब्जी, कढ़ाई पनीर, आज फिर कढ़ाई पनीर बनेगी, और खस्ता कचौड़ी, खीर, खीर भी होगी, और साथ में आलू की कचौड़ी भी बनाई जाएगी। और मेरे को अभी भूख लगी है, खाना बनने में तैयार है, देरी होगी तो हम अभी हम अपने लिए बनाएंगे एक केले का बनाना शेक, उसके बाद मुझे मार्केट निकलना है। और इधर अंजलि ने मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। इधर हमारी अर्पिता और संजना क्या करें, हाँ क्या करें, आया आया। फ्रेंड्स भूख लग रही थी और मैं बनाना शेक बनाने जा रहा हूँ। बनाना शेक के लिए मैंने एक केला लिया है, एक केला ले लिया, उसे इस तरह छोटे छोटे काट लिया है, और आधा ग्लास पानी का लिया है, उसे मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। एक्चुअली क्या था, जो केला था वो फ्रिज का रखा हुआ था, ठंडा था, और मेरा गला वैसे भी ख़राब है, सूखी खांसी है, इसलिए मैं बनाना शेक पी रहा हूँ। अगर बलगम वाली होती तो बनाना शेक नहीं पीना चाहिए, बनाना नहीं खाना चाहिए, सूखी खांसी के कारण बनाना शेक मैं बना रहा हूँ। वैसे भी खाना बनने में देरी है तो मैं सोच रहा हूँ बनाना शेक पी लूँ। और इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध, थोड़ा सा हम शहद डाल लेंगे, और शुगर, दो चम्मच शुगर। दोस्तों हमने जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर से हमने बनाना शेक को शेक कर, देखो हमारा बनाना शेक तैयार है। एक्चुअली क्या है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से ग्राइंडर चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल होता है, इसलिए हमने वीडियो नहीं शूट कर पाए ग्राइंडर चलाते हुए। लीजिए हमारा बनाना शेक तैयार है, एंजॉय करते हैं। इधर अंजलि ने खाने की तैयारी करने लगी है कढ़ाई पनीर के लिए। कढ़ाई पनीर के लिए कम से कम 1.5 से 2 किलो प्याज लगता रहता है, शिमला मिर्च लगेगी 1 से 1.5 किलो, उसको बड़ा बड़ा काट लिया जाएगा। अंजलि काट रही है। चलो दोस्तों थोड़ा सा बाज़ार जाना था, एक तो कलेक्शन भी है, कलेक्शन करके और थोड़ा डॉक्टर से भी मिलना है, चल के डॉक्टर को भी दिखा के आते हैं। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाइक कहाँ है, हमारी बाइक, बाइक लगती बाहर खड़ी है। ये है बाइक हमारी, कीना है गौरव,
डैडी कितने है? डैडी करे है तेन पता तेरे पेपर नहीं है है पेपर कदों तो ठीक। चलो दोस्तों बाजार चलते हैं। फ्रेंड्स मार्केट आ गए हैं। मार्केट हमें कुछ किसी से काम था और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है संडे स्पेशल हो रहा है। हमारे घर कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं और उनके लिए फिर हम खाना तैयार तो वो हो ही रहा है, साथ में मुझे सब्जी लेके आनी है, पनीर लेके आना है। और सीधी कैमरे पे सनलाइट पड़ रही है धूप, उसके कारण सही नहीं आ रहा व्यू। चलो इधर से होते हुए बाज़ार चलते हैं फिर यहाँ से सब्जी लेते हैं। दोस्तों बाज़ार तो आ गए लेकिन जहाँ से हमें सब्जी लेनी थी वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा और ना ही उसका ठेला लगा हुआ है। कहीं पर भी लगता फ़ोन करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है पनीर का हमने उससे पहले ही कहा था कल, और हमारा कस्टमर भी है, अगर नहीं किसी और से ले लेंगे तो आदमी इतराज करेगा। इतना रोड खाली पड़ा फिर भी टी टी करे जा रहा है, देख लो। दोस्तों उसने रेडी लगाई नहीं थी और हमें उसी के घर जाना पड़ रहा है। ये आ गया गुरु रविदास नगर, हम उसके घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमने पनीर ले लिया है और हम चलते हैं घर। 15-20 मिनट लग जाएंगे घर पहुंचते हैं, उसके बाद अंजलि वेट कर रही है और जल्दी से निकल। दोस्तों घर पर तो आ गए थे लेकिन घर पे आने का वीडियो नहीं शूट कर पाए। जिस लिफाफे में पनीर लेके आए थे, गुड आफ्टरनून को गुड इवनिंग बोल रहा है वंश, गुड आफ्टरनून। और उसमें से पनीर का पानी थोड़ा निकल गया होगा, बैग में डाल लिया। देखो बैग गीला हो, यहाँ से बैग पूरा गीला हो गया। कागज़ रखे थे इसमें, कागज भी सारे गीले हो गए हैं। सब बैग गीला हो गया। अंजलि ने खाने की पूरी तैयारी कर ली। अंजलि ने सब्जी वगैरह सब काट के तैयार। ये देखो ओनियन, ये तड़का लगेगा इससे, लहसुन का। इनको एक्चुअली क्या है, ये फिर टमाटर भी काट लिए बड़े पीस, और ये तड़का लगाने के लिए। ये सब्जी को फ्राई करके वो फिर उसे ग्राइंडर में अंजलि करेगी पीस लेके। और इधर बड़ी जो शिमला मिर्च और ये प्याज है इसको भूंज लिया है अंजलि ने। और इधर मैं पनीर ले आया हूँ और इसको अंजलि अभी इसके बड़े पीस कर लेगी, फिर इसे भी फ्राई किया जाएगा। पनीर के छोटे पीस कर दिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं किए हैं, ठीक है, बढ़िया पनीर पीस किए हैं। और फिर इसको फ्राई किया जाएगा और कुछ पनीर उन्होंने वहाँ पर फ्राई हो गया है। अंजलि ने पनीर डाल दिया फ्राई करने को, ये देखो फ्राई हो रहा है पनीर, और कुछ पनीर ये हमारा फ्राई हो चुका है। और इसमें ये सभी प्याज गार्लिश टमाटर वगैरह को भी फ्राई किया जाएगा। अब अंजलि जो सूखी सब्जी बनाने जा रहे थे उसको पहले फ्राई कर रही है। अंजलि नए तरीके से सूखी सब्जी बनाएगी, पहले इसको फ्राई करके आलू और गोभी को, आलू गोभी और वो पड़ी है मटर की सूखी सब्जी बनेगी। उधर हमारी कढ़ाई पनीर तैयार हो गई और इधर अंजलि ने दाल की कचौड़ी बनाना भी शुरू कर दी है। दाल फ्राई करके फिर इसकी कचौड़ी बन रही है हमारे। ए मेरा बैग ये रख दो, जा वंश मेरा बैग रखा अंदे इसको, ये रखाएगा, रख के आओ। ए आराध्या मान जाओ, रखा रख के आ जल्दी से।
गेट खोला ही। शीरी नमस्ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो सिरी आ गए। ये को पकड़ के लेके आ रहा है। गोल गोल हमारे घर आ गए सिरी, आरती और पूजा। ये देखो किसकी है फोटो, ये कौन है सिरी? ओ गोलगप्पे, अकेले अकेले गोलगप्पे खा के आ रही। रो रहा था तो मांग लिया। बताओ ये चीज गलत है, मामू को भी दे दो। खा लो हैं, मैं भी खा लो। टॉयज टॉयज, इतने सारे खिलौने हैं श्री, इतने सारे खिलौने की खाएगा श्री? तू श्री की खाना है? खाना हमारा तैयार हो गया था हमारी। अरे भाई मेरे को तो बनाने दे। पूजा आरती ने भी खाना खा लिया, चंदन को मैंने बुला लिया था फ़ोन से भी, चंदन का ने भी तकरीबन खाना खा लिया है। और नाइट काफ़ी हो गई है और हम भी बस तकरीबन सभी ने खाना खा लिया, मैं रह गया। मुझे भूख नहीं लग रही तो मैं थोड़ा देर से खाऊंगा। तकरीबन टाइम हुआ है 7:30 का, मैं 8:30 बजे खाना खाऊंगा ताकि रात को भूख ना लगे। दोस्तों हमारे घर आए हुए सारे मेहमान चले गए, पूजा आरती चली गई, चंदन आए थे चंदन भी चला गया खाना खा के। अब सभी ने तकरीबन खा लिया खाना, अब हम खाएंगे। अब मैं ही अकेला रह गया खाना खाने को। चलो खाना खा लिया था? हाँ ठीक है। कैसा बना था खाना? अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं बना? बताओ देखो दोस्तों, मंकी चला दो। मंकी इसमें नहीं चलेगा। आपको खाना कैसा अच्छा लगा? कढ़ाई पनीर कैसी लगी? आलाटी। कढ़ाई पनीर अच्छी नहीं लगी? आलाटी ओकले अच्छी लगी, कढ़ाई पनीर भी और अच्छी। दोस्तों हमारा खाना आ गया, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है। हमारे यहाँ बना है कढ़ाई पनीर, मिक्स वेज, और ये चटनी लहसुन की चटनी है, हरे लहसुन की पत्तियों की। और ये अदरक का अचार है, सॉरी अदरक गाजर का अचार। और ये है खस्ता कचौड़ी। ठीक है दोस्तों, हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो गया था और नाइट भी काफ़ी हो गई है देखो। और इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कल मैं एक कहीं बाहर जा रहा हूँ, हो सका जरूर शॉर्ट वीडियो जरूर डालूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। तब तक के लिए बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।